सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों में मेडिकल छात्रों को नहीं रखा जा सकता। छात्र अपने यूक्रेन के कॉलेजों से अप्रूवल लेने के बाद अन्य देशों में ट्रांसफर लेने का विकल्प चुन सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र ने कहा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में मेडिकल छात्रों को नहीं रखा जा सकता। छात्र अपने यूक्रेन के कॉलेजों से अप्रूवल लेने के बाद अन्य देशों में ट्रांसफर लेने का विकल्प चुन सकते हैं। सरकार ने कहा कि खराब नीट स्कोर या सस्ती कॉलेज फीस के चलते छात्रों ने यूक्रेन मेडिकल कॉलेजों को चुना है। अगर कम नीट स्कोर वाले छात्रों को समायोजित किया जाएगा तो पहले से पढ़ रहे स्टूडेंट्स आपत्ति कर सकते हैं। कम नीट स्कोर वाले यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स को भारतीय कॉलेजों में एडमिशन देना देश की मेडिकल शिक्षा के मानक को प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि यह बात विनम्रतापूर्वक ध्यान में लाना चाहते हैं कि यदि इन छात्रों को खराब मेरिट के बावजूद देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिला दिया गया तो यह उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा जो कुछ कम नीट स्कोर के चलते इन कॉलेजों में एडमिशन नहीं पा सके और उन्हें कम प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ा। प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला दिया जाता है तो ऐसे कॉलेजों की फीस यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज की फीस से कहीं अधिक होगी, जिसे छात्र वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।